अफगानिस्तान से आया काबुल नदी का जल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जल को गंगा जल में मिलाकर भगवान राम को किया जलाभिषेक। चंडीगढ़ में सोनीपत के किसानों ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात, गांव में फसलों का जायजा लेने के लिए दिया न्योता, किसानों की फसलें हुई है खराब। दिवाली से पहले हरियाणा में सख्ती, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर लगी रोक। टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आज, पहला मैच दोनों के पाकिस्तान से हराने के बाद दोनों टीमों के सामने मैच जीतने की चुनौती। वंदे मातरम पूर्वांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की पवित्र काबुल नदी का जल अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचकर उन्हें अर्पित किया। सीएम योगी ने काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर उसे श्री राम जन्मभूमि पर अर्पित किया है। सीएम योगी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की कामना भी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की बालिका की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए जल से प्रभु श्री राम का जलाभिषेक किया, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। तो सीएम योगी ने इस जल में गंगा जल मिलाकर भगवान राम का जलाभिषेक करने के बाद कहा कि अफगानिस्तान से बह के साए में एक बालिका ने काबुल नदी का पवित्र जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था, जिसके जरिए उन्होंने भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया। और इसी बीच आपको रुड़की लिए चलते हैं, जहां पर आप प्रत्याशी कर्नल कोठियाल की तरफ से रोड शो किया जा रहा है, समा बांधा हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बढ़ चढ़कर कार्यकर्ता हाथों में बैनर लिए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश। रुड़की के फिरान कलियर की ये तस्वीरें हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का ये रोड शो तो अलग अलग जिलों में पहुंचकर ये दौरा यहां पर किया जा रहा है। इस रोड शो के जरिए जहां शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरे जन जन तक पहुंचने की कोशिश भी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने वजूद को और मजबूत करने की कोशिशें यहां पर की जा रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने और साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आप नेता कर्नल कोठियाल का ये रोड शो, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे गाजे बाजे के साथ इस रोड शो को निकाला जा रहा है। रुड़की के पिरान कलियर की तस्वीरें, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, हाथों में आप देख सकते हैं तिरंगा है कुछ कार्यकर्ताओं के, तो कुछ के हाथों में कर्नल कोठियाल का ये बैनर। तो ये दाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चला गया है। इससे पहले कई घोषणाएं भी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कर चुके हैं आकर। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर भी विकास किया जाएगा और देवभूमि का जो समझा है उसको और साकार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। तो ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं और अब धरातल पर उतर कर जन जन तक पहुंचने की कवायद यहाँ पर जारी है। और उसी कड़ी में ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, रुड़की के पुरान कलर की ये सीधी तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, एक भव्य नजारा यहाँ पर कर्नल कोठियाल हाथ हिलाते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए, तो काफी उत्साहवर्धक ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे, एक नई बहस को यहां पर जन्म दे दिया गया, खुली डिबेट की उन्होंने बात कही जिसे स्वीकार हरीश रावत ने किया। तो अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश यहां पर लगी हुई है जनता को लुभाने की, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जिलों में ये रोड शो यहाँ पर किया जा रहा है। और अब ये रोड शो रुड़की फिरान कलियर के,
और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, देहात कोतवाली पहुंची एटीएस की टीम। तो फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो बता दें कि आरोपी श्याम निषाद और सूरज मौर्य से पूछताछ कर रही है इनकी टीम। तो यूपी में मानव तस्करों की घुसपैठ बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई, और इसी मामले में यहां ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देहात कोतवाली पहुंची है एटीएस की टीम, लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो फर्जी आधार कार्ड बनाने का ये पूरा मामला है जो इस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो यूपी में मानव तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया। तो देहात कोतवाली पहुंची एटीएस की टीम, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो आरोपी श्याम निषाद और सूरज मौर्य से पूछताछ यहां पर चल रही है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, और ऐसे में ये चुनौती प्रशासन के सामने भी है। अब एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो आरोपी श्याम निषाद सूरज मौर्य से पूछताछ चल रही है। यूपी में मानव तस्करों की घुसपैठ बनी बड़ी चुनौती का मामला। तो देहात कोतवाली पहुंची एटीएस की टीम, ये गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अतुल यादव का। अतुल, देहात कोतवाली पहुंची एटीएस की टीम, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूछताछ को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो गोंडा जिले में दो लोग गए थे जो फर्जी आधार कार्ड बनाने पकड़े गए थे और उनको गोंडा पुलिस ने पकड़ कर जेल भेजा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मानव तस्करी का जो घुसपैठियों की जो लगातार ये चुनौती पड़ी सामने, तो उसके बाद पिछले दिनों यूपी एटीएस की टीम ने तीन लोगों को जो बांग्लादेशी नागरिक है उनको रिमांड में था, उनके पूछताछ की थी। उसके बाद पूछताछ करने के बाद जो एटीएस की टीम है वो गोंडा पहुंची है। गोंडा में दोनों आरोपियों को जो देहात कोतवाली पुलिस रिमांड पर लिया उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ करके जो बांग्लादेश से जो मानव तस्करी का राशन है हमारे का पुलिस प्रयास कर रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ यहाँ पर जारी है, क्या कुछ सवाल जवाब यहाँ पर किए जा रहे हैं? अतुल, क्या आपकी तरफ से कोई जानकारी अभी? देखो, क्योंकि एटीएस की जो जो कार्रवाई होती है वो गोपनीय तरीके से होती है, अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। फिर आज जो एटीएस की टीम है अंदर दोनों आरोपियों को उनसे पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों की पुलिस को आज से पूछताछ, पूछताछ टीम में कौन कौन अधिकारी अतुल शामिल है इसकी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इस टीम के एटीएस के अधिकारी हैं और इन एटीएस की टीम के कई बड़े अधिकारी हैं जो कि लखनऊ से कुछ गोरखपुर से हैं, और उसके बाद जो कि कल इनसे यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ कर सकती है। साथ ही जो अयोध्या में एसटीएफ की यूनिट है वो भी पूछताछ कर रही है। गोरखपुर यूपी एटीएस की यूनिट है वो भी पूछताछ है। उसके बाद जो स्थानीय एसओजी पुलिस है और देहात कोतवाली पुलिस वो भी इनसे पूछताछ करके कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे कर सकती है। बिल्कुल, लगातार जो अपनी कार्रवाई को लेकर दायरा एटीएस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है अतुल, और इसी कड़ी में अब ये पूछताछ, कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिलेगी इस केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने। देखो, जिस तरीके से एटीएस को लगा रखा है ना कि गोंडा भी कनेक्शन है जिसका खंगालने का प्रयास यूपी एटीएस की टीम कर रही थी, और उसने आज देहात कोतवाली के पुलिस के ने रिमांड लिया। उसके बाद उसने एसपी गोंडा से कहा था कि मुझे रिमांड पूछताछ के लिए, गोंडा ने आदेश दिया पूछताछ करने के, उसका पूछताछ कर रही है। और जाहिर तौर पर अतुल, पश्चिम बंगाल की सीमा से जिस तरह से घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार कवायद जारी है, अन्य जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन बड़ी मछलियां यहाँ पर हाथ नहीं लग पा रही है, तो क्या उस लिहाज से भी ये पूछताछ अहम हो जाती है? जिस तरीके से जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फर्जी कागज लगा करके जो बांग्लादेश से लगातार भारत की सीमा में उत्तर प्रदेश में घुसपैठ कर रहे थे, लगातार उसकी जो एटीएस है वो जांच कर रही थी, एसडीएफ भी जांच कर रही है, कई एजेंसियां वो जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं जिन बड़ी मछलियों की हम बात कर रहे हैं जो जिक्र बार बार उठ रहा है इस पूछताछ के बाद, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उसमें मदद मिल सकती है एटीएस टीम को। बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है, और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद सुगबुगाहट और तेज हो चली है। विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधायक इलाके में दो सड़कें नहीं बनने से नाराज है। तो राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से विधायक है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब सपा विधायक की तरफ से इस्तीफा यहां पर सौंपा गया,
बताया जा रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे एक नाराजगी है, और नाराजगी है कि जो उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जहां से वो विधायक हैं उनके इलाके में सड़कें बनाई जाएं, वहां पर वो काम नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपनी इस नाराजगी को इस्तीफे के जरिए जाहिर किया है। बुलेटिन में बात है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है, बने रही नेटवर्क 10 के साथ। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोमन डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। इस बार दिवाली पर अपने प्रियजनों को कुछ खास तोहफा दीजिए जो उनको ताम्र याद रहे, और वो तोहफा है आपके जिले की मशहूर वस्तु। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार तोहफा दे पाएंगे, और दूसरा अपने जिले की मशहूर वस्तु को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात आप देश की तरक्की में भागीदार बन रहे हैं। और गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा तोहफे में दे सकते हैं, कानपुर से हैं तो चमड़े से बना कोई उत्पाद, फिरोजाबाद से हैं तो चूड़ियां, अलीगढ़ से हैं तो ताले, और अगर मुरादाबाद से हैं तो बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत तोहफे की नहीं, कीमत यादों की होती है। तो इस दिवाली अपने मित्रों, रिश्तेदारों या प्रियजनों को तोहफे में दीजिए अपने जिले की खास चीज, जिसे वो आपकी यादों के तौर पर संभाल कर रख सके। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़कर घर ले आए यूपी की बेमिसाल हुनर। आपका यह कदम लाखों परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी का हुनर अब आपके घर। भगवान वाल्मीकि जी दे जन्म दिहाड़े मौके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान वाल्मीकि स्थल उत्ते 25 करोड़ रुपए दी लागत नाल बनन वाले पेनोरमा प्रोजेक्ट दा नींव पत्थर रखिया। आज मैं एक ऐलान कर रहा है कि ऐसी इत्थे भगवान वाल्मीकि दी पूरे जीवन नु बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल पेनोरमा बना के उनु फिल्माउणा है। 25 करोड़ रुपया दे लगेगा। इस दे नाल ही भगवान वाल्मीकि जी की चेयर जो पहला बनी हुई है उदे लई 5 करोड़ रुपया हर साल उदे खर्चे वास्ते देवांगे ताकि उदे ते रिसर्च हो सके। भाई जीवन सिंह की चेयर लई 5 करोड़ रुपया, थोड़ा सारिया का बहुत धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य का क्लब पाइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट, चल हट और डेंगू। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। देश में 50 से 80 प्रतिशत
प्रतिशत लोगों को विटामिन डी, बी 12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को शामली पहुंचे। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद भी मौजूद रहे तो पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की जयंती में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया तो महासम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही। बता दें कि कार्यक्रम सरातू विधानसभा के न्यामतपुर में आयोजित। गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली हुई तो वह प्रतिज्ञा रैली में जाने से पहले देवरिया के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नौशाद राजा ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस हमें टिकट देती है तो मैं अपने विधानसभा 338 में विकास की धारा बनाऊंगा, साथ ही उचित विद्युत व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नौशाद राजा ने बताया कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश प्रभारी, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है तो बिजली का बिल माफ किया जाएगा, साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाया जाएगा। मैं 1000 लोगों के साथ मैं गोरखपुर प्रतिज्ञा रैली में जा रहा हूं और वहां पे लगभग पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, लगभग वहाँ से 3-4 लाख की भीड़ होगी और यहाँ से मैं कम से हजारों लोगों को लेके जा रहा हूँ, बस भी है और फोर व्हीलर भी है, इन सबको लेके जा रहा हूँ। और माननीय प्रियंका जी ने जो घोषणा किया प्रतिज्ञा रैली आज जो हो रही है, इसमें 7 वादों उन्होंने किया है। पीलीभीत के विकास विभाग में कई पंचायत अधिकारियों के तबादले किए गए तो वहीं पूरनपुर में 2 पंचायत अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। अचानक हुए फेरबदल के बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत में लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई तो इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस दल ने मार्च पास्ट निकालकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। अयोध्या में पीएनबी बैंक मैनेजर सुसाइड केस में पुलिस ने आईपीएस अधिकारी और अयोध्या के पूर्व एसपी रहे आशीष तिवारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि अयोध्या में पीएनबी बैंक के मैनेजर ने अपने आवास पर सुसाइड कर लिया था। जानकारी के मुताबिक बैंक मैनेजर के पिता की तहरीर पर अयोध्या पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बांदा में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने प्रेस क्लब के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जन सूचना मांगने वाले शख्स को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए तो साथ ही जन सूचना अधिकार के अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जन सामान्य को समय से सूचनाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। सूचना आयुक्त उप्रेती ने कहा कि जन सामान्य को जन सूचना अधिकार के संबंध में जानकारी देने के लिए चित्रकूट धाम मंडल के सभी जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कराई जाएंगी। कहा जाता है कि दियों की रोशनी के बिना दिवाली अधूरी सी होती है। आधुनिक चकाचौंध में भी मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा आज भी बरकरार है। पूजा पाठ से लेकर लोग घरों को सजाने में मिट्टी के दिए का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कोरोना काल में कुम्हारों के चेहरों से छीनी मुस्कान अब इस दिवाली वापस आती दिख रही है। इस दिवाली को लेकर कुम्हार दिए बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में कुम्हारों की व्यस्तता जो है वो बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक से लोक कृतियों, परंपराओं, तीज त्यौहार में बड़ी तेजी के साथ आधुनिकता का रंग चढ़ा है और ऐसे में दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री और तमाम संगठनों की तरफ से मिट्टी के दीयों से दीपावली मनाने की अपील रंग लाती नजर आ रही है। इससे एक तरफ जहां अपनी पुरातन संस्कृति से नई पीढ़ी का जुड़ाव होता नजर आ रहा है तो वहीं गांव में रहने वाले हमारे समाज के कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। दीपावली के कई हफ्ते पहले से ही कुम्हार दंपतियों की तरफ से दिए बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। दिवाली आई सर, महीना भर से 15 दिन से बना रहे हैं।
इसी से परिवार का खर्चा चलता है, बाजार में ले जाते बेचते हैं, इसी से खर्चा चलाते हैं। तो कोई काम ही नहीं, लगता तो चलता है बाद में। तो जौनपुर में कल मकान में हुए ब्लास्ट मामले में मलबे के अंदर एक बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बच्चा पटाखे खरीदने गया था, लेकिन बच्चा वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन जब मौके पर पहुंचे तो बच्चा नहीं मिला, लेकिन उसकी साइकिल वहीं पड़ी मिली, जिसके बाद बच्चे के शव को बरामद किया गया। तो 8:30 बजे तक मेरा बच्चा घर आया। क्या नाम था बच्चा का? आकिब हमजा। अच्छा जी। तो आया नहीं, तो हम लोग उसको ढूंढने लगे तो साइकिल यहाँ से हमको मिली। हमारा शंका हुआ कि यहीं आया हुआ है। अच्छा, तो साइकिल यहीं से मिला। अच्छा, साइकिल से ही। तो प्रशासन को कब सूचना दी है? प्रशासन को हम 12 बजे थाने में गए। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के चौकाघाट चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स बेचने के आड़ में चोरी की गाड़ियां काटकर पार्ट्स अलग अलग कर बेचने का सिलसिला पिछले कुछ वक्त से चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर थाना जैतपुरा पुलिस ने सूचना चेकिंग चलाई, जहां पुलिस को सूचना चेकिंग के दौरान कई संदिग्ध गाड़ियां उन्हें मिली, जिसके बाद चौकाघाट चौकी प्रभारी अश्विनी राय के तहरीर पर केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी एसीपी चेतगंज अनिरुद्ध कुमार ने बताया है कि प्रथम दृष्टया चोरी के वाहन प्रतीत हो रहे हैं। केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है, जिसमें 9 गाड़ी संदिग्ध मिली है। 10 गाड़ियों के कटने के बाद उनका रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। लगातार हमें सूचना मिल रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी कि जैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चौकाघाट एरिया है, वहां पर कई गाड़ियों के कटने की केंद्र है, जहां पे गाड़ियां कटती हैं। अचानक इसी जांच के क्रम में हम लोगों ने एक रेड दी और उसमें एक यूसुफ जो है उनके यहाँ पे गाड़ियाँ कट रही थी। उसमें पाया गया कि जब उनका रजिस्टर चेक किया गया तो पाया गया कि लगभग पिछले 3 महीनों में लगभग 10 ऐसी गाड़ियाँ कटी हैं जो ट्रक के नाम पे काटी गई, जबकि वो या तो मोटरसाइकिल के रूप में पंजीकृत हैं, या 3 पहिया वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, या किसी अन्य वाहन के रूप में, वो ट्रक नहीं है। बांदा में प्रशासन की तरफ से मनाए जाने वाले दीपावली महोत्सव के आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ कराया। उनकी पत्नी ने हाईस्कूल में बुदेलखंड टॉप छात्र सच्ची सिंह पटेल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। बता दें कि पूरा मामला बांदा शहर का है, जहां पिछले 3 दिनों से दीपावली महोत्सव जिलाधिकारी अनुराग पटेल की देखरेख में मनाया जा रहा था, जिसमें पहले दिन बुदेलखंड का ऐतिहासिक नृत्य दिवाली और आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों का नृत्य प्रस्तुत किया गया। बता दें कि प्रशासन ने ये मेला दीपावली तक के लिए शुरू कराया था, जिसमें 3 दिन दीपावली महोत्सव मनाया गया। रायबरेली में 9वीं कक्षा की एक छात्र समेत उसकी मौसी की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला ढी थाना इलाके के कचनावा गांव का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते। पीसीएस अफसरों को ज्वाइन करवाने के निर्देश। विनय कुमार सिंह एडीएम एफआर को एडीएम ई बिजनौर बनाया गया है, ये अहम जिम्मेदारी उन्हें। भगवान शरण की अगर बात करें तो एडीएम ई बिजनौर से एडीएम एफआर बनाया गया है। तो बता दें कि राजकुमार द्विवेदी सीआरओ जौनपुर से ओएसडी राजस्व परिषद बने हैं। रजनीश राय एडीएम ललितपुर से सीआरओ जौनपुर बना दिए गए हैं। तो राजेश कुमार सिटी मजिस्ट्रेट झांसी बने। देवेंद्र सिंह जीएम को सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी शाजापुर उनको भेज दिया गया है। तो ये अहम जिम्मेदारी यहां पर पदोन्नति के साथ बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीसीएस अफसरों को ज्वाइन कराने के निर्देश। तो विनय कुमार सिंह एडीएम एफआर को एडीएम ई बिजनौर बनाया गया है। तो ये बड़ा उलटफेर यहां पर। और इसी के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा